तो फिर हम बात करेंगे बॉर्न ब्रिज के बॉन्ड कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में कॉइन के टारगेट्स करेंगे। 3.15 पे उस टीकर हमने कॉइन ट्रेड कर रहा है। अभी भी इस कॉइन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप इस कॉइन में क्विक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में कॉइन बहुत अच्छा प्रॉफिट मेंटेन करेगा। तो बात करेंगे कौन से बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में कॉइन के टारगेट्स करेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बना रख सकते हैं और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके। क्रिप्टो क्वेरीज, अपडेटेड लेवल, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 3.16 पर अभी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। कल से अभी तक थोड़ा सा मूवमेंट इसके प्राइस में और मार्केट में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ पर BTC 65,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और अल्ट्स में भी बैक टू बैक हमने मूवमेंट देखा है। जो कॉइन्स रिसेंटली मैंने आपको शेयर किए थे पिछले 4-5 दिनों में, वो कॉइन्स अच्छा खासा मूव कर रहे हैं, टारगेट्स हिट कर रहे हैं। फार्म कॉइन ने टारगेट हिट किए हैं, नियर कॉइन ने टारगेट हिट किए हैं और भी बहुत सारे कॉइन्स जो है वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। बॉन्ड कॉइन में अभी एक अच्छा लेवल है और भी बहुत सारे से कॉइन्स है जिनमें अच्छा लेवल है। अभी मैं आपको कॉइन शेयर कर रहा हूं, अभी भी मिस नहीं हुआ है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई है। लेकिन अब अगर अभी ये 2-4 दिन में अगर आप बाय नहीं करते हैं और अब मिस कर जाएंगे तो इसके बाद में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि इस लेवल पर जहां पर हमें कॉइन्स जो है वो उस लेवल पर मिल रहे हैं जहां पर जनवरी मंथ में हमने कॉइन्स को ग्रेप किया था, उसके अराउंड हमें सभी कॉइन्स की प्राइस देखने को मिल रही है और यहां मिस नहीं करना है। बॉन्ड कॉइन में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट प्रीवियसली जनरेट किया है, इस ब्रेकआउट को ग्रेप किया, इससे पहले वाले ब्रेकआउट को ग्रेप किया यहां पर और इस वाले रिसेंट ब्रेकआउट को जहां पर 6.3 USD का लेवल इसने मार्च के एंड में ट्राई किया था। ये तीनों ब्रेकआउट हमने ग्रेब किए हैं, हमारे वीडियोस के थ्रू आपको एंट्री हमने सजेस्ट की है और वापस हमें बहुत अच्छी अपोस्ट ये कॉइन दे रहा है। यहां पर डेली में अगर टेक्निकली बात करें तो 3.2 USD वाला जो लेवल है वो डेली में इस कॉइन को क्विक रेजिस्टेंस लेवल है जहां से ये थोड़ा बहुत रिजेक्शन फेस करने को मिल सकता है। 2.6-2.65 USD वाला जो लेवल है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था जिसको इसने अभी रिसेंट टर्म में मेंटेन किया, यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन की। वीकली के चार्ट पर जाते हैं तो वीकली के अंदर यहाँ इस कॉइन को 3 USD वाला जो लेवल है एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर इस डंप में जहाँ पर इसने 8 USD वाला लेवल हिट किया तो उसके बाद ड्रॉप हुआ तब मेंटेन किया और अभी भी इसने पिछले 2 वीक की क्लोजिंग 3 USD से ऊपर ही की है। अभी आज जो है वो वीकली क्लोजिंग हुई है मंडे मॉर्निंग और आज की क्लोजिंग भी हमने 3 USD से ऊपर ही इस कॉइन की देखी है। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 4 USD वाला जो लेवल है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है और एक हार्डली रिजेक्शन लेवल है, जिस लेवल से इस कॉइन ने बहुत बार यहां रिजेक्शन फेस किया, यहां पर किया और जैसे ये कॉइन 4 USD से ऊपर वापस वीकली क्लोज करेगा तो हम इसकी प्राइस में 5.5 से लेकर 6 USD तक का मूवमेंट देखेंगे। एक अच्छा ब्रेकआउट सिंगल डे में, जैसे प्रीवियसली इस कॉइन ने यहां ब्रेकआउट लिया था, इसके बाद यहां ब्रेकआउट लिया था, इस टाइप का ब्रेकआउट 4 USD के बाद हमने देखने को मिल जाएगा और उसके बाद में 4 USD के बाद में 5.2 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। एंट्री की बात करें तो 3.15 पर आपको एंट्री लेनी है जो कि आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट रहेगा। बार बार चीजें बताई जाती है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखें, एक ही कॉइन में पूरी कैपिटल नहीं लगानी है। दूसरा, यहां पर पार्ट में बाय करना, दो लेवल की आप बाइंग रखेंगे तो आपको एक अच्छी खासी एवरेज एंट्री मिलेगी और मार्केट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है उसमें आपको एवरेज बाइंग करनी है। दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में जब ऊपर कॉइंस को बाई कर लेते हैं तो उसमें और कैपिटल लगाया जाता है, डीसीए करते हैं। कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि मैंने इस कॉइन को, जैसे यहां बॉन्ड कॉइन की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इसको 5 USD पर बाई कर लिया। अब कमेंट आते सर ये कॉइन 3 USD के अराउंड चला गया, यहाँ पर हम और कैपिटल इसमें लगाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। एक कॉइन में जितना आपने अमाउंट लगा दिया है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी लेवल पर लगाया है लगा रहने जी, और कैपिटल उसमें नहीं लगानी है। दूसरे कॉइन्स को ऐड करिए और मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग कैटेगरी के कॉइन्स शेयर करता हूँ बैक टू बैक और उन कॉइन्स में अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखेंगे तो आपको एक कॉइन पर फोकस नहीं करना पड़ेगा। आज भी कुछ कॉइन्स मूव कर रहे हैं, कुछ कॉइन अब स्टेबल है,
तो इसी टाइप की चीज़ें रहेगी हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम एक अच्छे लेवल पर कॉइन्स को ग्रेब करें। कॉइन्स में मूवमेंट बैक टू बैक होगा। आप ये या कोई भी ये नहीं कहेगा कि आज इस कॉइन में ब्रेकआउट हो जाएगा। भाई आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पर, जहाँ से कॉइन बाउंस बैक करेगा, जो उसके लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, उस लेवल पर आप कॉइन को ग्रेब करें। यहाँ पर एंट्री 3.15 पर लेनी है, जो आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट 70% पार्ट से रहेगा। सेकेंड लेवल आपका 2.9 का रहेगा, जहाँ तक वापस से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसे कल भी इसने 3.12 तक ट्राई किया था, उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, तो BTC ने वो ड्रॉप लिया था, इसकी वजह से इसमें ड्रॉप देखने को मिला। तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हमें 3 USD या उससे नीचे की देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पर आपको 2.9 पर बाकी 30% पार्ट से बाय लिमिट लगा देनी है। यहाँ से क्विक मूवमेंट में कॉइन 3.7 से लेके 4 USD को ईजिली ट्राई करेगा, जहाँ पर आपके लिए फर्स्ट टारगेट 3.85 रहेगा, जहाँ पर आपको अपना 60% पार्ट सेल आउट करना। जो कॉइन आप बाय करेंगे उसका 60% पार्ट 3.8 पर, और सेकंड लेवल रहेगा 4.2, जहाँ पर आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना। इस टाइप से 60-40 के रेशियो में 3.8 और 4.2 पर आपको सेल लिमिट लगा देनी है। इन लेवल्स को ये कॉइन क्विक मूवमेंट में हिट करेगा। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, यहाँ से थोड़ा सा जो वेट कर सकते हैं एटलीस्ट 4 से 6 वीक का, क्योंकि यहाँ से वीकली में ये कॉइन मूव करेगा। इस वीक में मूव करता है या नेक्स्ट वीक में मूव करेगा 4 USD तक, और 4 USD को फिर सपोर्ट बनाएगा, क्योंकि 4 USD रेजिस्टेंस लेवल है। तो 4 USD के अराउंड से थोड़ा बहुत रिजेक्शन फेस करने को मिल सकता है। इस वीक में अगर ट्राई करता है फिर ड्रॉप हो जाएगा थोड़ा बहुत, फिर मूव करेगा 4 USD को सपोर्ट बनाएगा। तो इसलिए जो 4 से 6 वीक वेट कर सकते हैं वो यहाँ से 4.5 से लेके 4.8 USD तक का टारगेट रखेंगे। वहाँ पर आपको 100% पार्ट सेल आउट करना है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है, और लॉन्ग टर्म की होल्डिंग में आपके पोर्टफोलियो में ये कॉइन अच्छा प्रॉफिट मेंटेन करेगा। आने वाले 8 महीने, 1 साल 2 साल आप होल्ड करेंगे, यहाँ से ये कॉइन अपने प्रीवियस लेवल्स को आने वाले टाइम में 20 USD 25 USD को हिट करेगा, जहाँ आपको इस लेवल से 10-15x तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और ये प्रॉफिट आपका बना रहेगा। इसके अलावा जिन्होंने पिछले वीडियोस के थ्रू प्रॉफिट जनरेट किया, किसी भी टाइप से हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में इनरोल करें। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर की जाएंगी, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हो, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।